चारू असोपा की मेड ने फिर लगाया चारू पर इल्जाम, कहा मुझे छुट्टी दी आराम करने की और फिर काम से निकाल दिया। फिर क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। चारू असोपा टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस में है। चारू अपने ब्लॉग से फैंस के काफी करीब भी रहती हैं। वहीं चारू को बेटी के परवरिश अकेले करते देखा जाता है। वहीं अपने ब्लॉग में चारू अपने हाउस हेल्प के बारे में भी बातें करना नहीं भूलती है। हाल ही में चारू ने अपने ब्लॉग में बताया था कि उनकी कुक जिसका नाम रेनू है, वो उनके ब्लॉग पर उल्टे सीधे कॉमेंट्स कर रही है। उन कॉमेंट्स में वो अपना पगार मांग रही है, जबकि मैंने सारा पेमेंट कर दिया है। चारू को कई यूजर्स ने ट्रोल करते हुए कहा कि चारू को पैसे दे देने चाहिए। वहीं चारू की कुक रेनू ने अब उन कमेंट्स को चारू के ब्लॉग से डिलीट कर दिया था। पर अब एक बार फिर चारू को सबक सिखाने के लिए रेनू ने खूब सारे कमेंट्स किए हैं। एक कमेंट में अपनी बात रखते हुए रेनू लिखती है, उसने खुद बोली, दीदी आप छुट्टी लेकर 2 दिन के लिए जाओ, मेरा घर छोटा है, आप दवा खाओगे पर आराम इधर करने को नहीं मिलेगा, इधर तो काम करना पड़ेगा। फिर मैंने बोला, दीदी दवा खाऊंगी तो थोड़ा आराम करूंगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी। उसने बोला, दवा के साथ आराम की भी जरूरत है, आप जाओ 2 दिन के लिए ठीक हो जाओ तो फिर आ जाना। वेल, रेनू के कमेंट से इतना तो साफ है कि रेनू की तबीयत ठीक नहीं थी और चारू ने भी ये बात कबूल की है कि रेनू की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो गई। साथ ही वो काम ठीक से नहीं कर रही थी और इस वजह से मैंने उसे रिप्लेस कर दिया। वेल, चारू ने ये बात साफ कर दिया था, पर रेनू बार बार क्यों चारू को लेकर उल्टे सीधे कॉमेंट्स कर रही है? क्या चारू ने रेनू के पैसे नहीं दिए या रेनू चारू के घर वापस काम करना चाहती है? वेल, क्या कहना है आपका इस पूरे रिपोर्ट पर, हमें कॉमेंट्स के जरिए ये जरूर बताएं।